राजकीय महाविद्यालय कुल्लू में SFI छात्र संगठन के पदाधिकारियों ने धरना प्रदर्शन किया। SFI से जुड़े छात्रों ने प्रदेश में छात्र राजनीति के आधार पर महाविद्यालयों में चुनाव करवाने के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है। राजकीय महाविद्यालय कुल्लू में SFI छात्र संगठन के छात्रों व पदाधिकारियों ने धरना प्रदर्शन किया। इस धरना प्रदर्शन में छात्रों ने प्रदेश के अंदर छात्र राजनीति के आधार पर महाविद्यालयों में चुनाव करवाने के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है। SFI की कैंपस सचिव ने कुल्लू महाविद्यालय के प्राचार्य पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह छात्र नेताओं को बात बात पर महाविद्यालय से निकालने की धमकी देते हैं। क्या यह तर्क संगत है? उन्होंने कहा कि SFI छात्र संगठन छात्रों की समस्याओं को उठाने के लिए प्रदर्शन करती है और यह उनका मौलिक अधिकार भी है। इस धरना प्रदर्शन की हमारी ये मांगे थी कि जो SC चुनाव की बहाली की जाए, वो कॉलेज की जो अन्य अपनी लोकल समस्याएं, लोकल इश्यू, उसको लेके किया जा रहा है धरना प्रदर्शन, मुख्य रूप से SC चुनाव की बहाली के लिए सर। और मैं एक बात रखना चाहूँगा कि जो आज जिस तरह से कॉलेज का माहौल है, जिस तरह से हमको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से हमारे मौलिक अधिकार है कि हम कहीं भी इकट्ठा हो सकते, कहीं भी धरना प्रदर्शन कर सकते, ये हमारे मौलिक अधिकार है, ये हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है। लेकिन आज कुछ डॉक्यूमेंट्स लाके, जो डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन के कुछ डॉक्यूमेंट्स लाके, जिनमें कि कई सिफारिशें लिखी, जिसमें लिखा गया कि रूसा के अनुसार 1:25 की टीचर की रेशो होगी, कहीं भी अध्यापक को कोई कमी नहीं होगी, लेकिन उन सब सिफारिशों को ना लागू करते, उनको ना गौर करते हुए प्रिंसिपल महोदय जी ये देखते हैं कि हमको अभद्र ढंग से छात्र नेताओं के साथ पेश आते हैं, ना उनका बात करने का रवैया ठीक है, और हर बार ये धमकी दी जाती है कि तुमको एक्सपेल किया जाएगा। मैं जानना चाहता हूँ कि वो किस आधार पर हमें एक्सपेल करेंगे? छात्र की समस्याएं के जो हम उठाते उसके आधार पर वो एक्सपेल करेंगे हमें? कुल्लू से ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल।